एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी इंस्टेंट ब्राइटनिंग और लाइटनिंग फेस पैक। तो आप कोरियन के फेस देखते होंगे कितना ब्राइटनिंग, लाइटनिंग, स्मूदनिंग फेस होता है उन लोगों का। आपको लगता है काश यार मेरा भी इस तरीके से फेस होता। तब टेंशन की कोई बात नहीं है गाइज। आप घर पे ही, आप घर के सामानों से आप कोरियन जैसा फेस पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या ये सीक्रेट फेस पैक। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें गाइस। और सब्सक्राइब बटन के बगल पे एक बेल आइकन होगा, उसे भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सीक्रेट DIY फेस पैक जो कोरियन लगाते हैं। तो सबसे पहले आप राइस फ्लोर ले लें, जिसे चावल का आटा भी कहते हैं। तो आप इसे घर पर चावल को धोकर सुखाकर आप उसको पाउडर बना सकते हैं। चाहे आप बाहर से रेडीमेड भी चावल का आटा खरीद सकते हैं, आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो चावल के आटे गाइस हमारे फेस पे बहुत बेनिफिशियल है। ये हमारे फेस को बहुत ही ब्राइटनिंग, लाइटिंग और स्मूदनिंग करते हैं। आपके फेस के जितने भी ऑयल है उसे हटाकर ब्राइटनिंग करते हैं, जिससे आपके पिंपल्स वगैरह नहीं होते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ कच्चा दूध ले लूँगी। कच्चा दूध आप जानते हैं हमारे फेस के लिए कितना ही बेनिफिशियल है गाइस। कच्चा दूध में लैक्टिक एसिड होते हैं और जिंक भी शामिल है इसमें गाइस, जिससे कि हमारी फेस काफ़ी लाइटनिंग हो जाती है और स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदे करती है। दूध आप जानते हैं गाइस हेल्थ के साथ साथ स्किन में भी काफ़ी बेनिफिशियल है। तो आप देख सकते हैं मैंने उस पर मिला दिया है चावल के आटे पे रॉ मिल्क को। आप उसे अच्छे से एक पेस्ट बना लें। देख सकते हैं मैंने किस तरीके से बनाया हुआ है। तो सबसे पहले आप अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लें। मैंने कर लिया है पहले से। तो फेस वॉश करने के बाद आप अपने फेस पे इसे अप्लाई करें, इस पेस्ट को देख सकते हैं। आप इसे अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लें। आप चाहे तो इसे हैंड पे भी लगा सकते हैं, नेक पे भी लगा सकते हैं। मैंने भी फेस पे लगा के दिखाया हुआ है। बहुत ही अच्छा फेस पैक है गाइस। आपको इंस्टेंट ब्राइटनिंग एंड लाइटनिंग फेस देखने को मिलेंगे। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही अच्छा फेस पैक है गाइस। इससे आपके जितने भी फेस पे झुर्रियाँ आ गई है या दाग धब्बे हैं आपके फेस पे, डार्क सर्कल है, तो इस फेस पैक से इन सब प्रॉब्लम से भी आपको छुटकारा मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छा लग रहा था गाइस। मैं इसे जब लगा रही थी अपने फेस पे, देख सकते हैं बहुत ही कूल, बहुत ही ठंडा फील लग रहा था मेरे फेस पे। ऐसा लग रहा था कि मैं बर्फ़ लगा रही हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा था। देख सकते हैं आप इस तरीके से अप्लाई कर ले अपने फेस पैक लगाते के लगते मैं थोड़ी मस्ती भी कर रही थी गाइस। ऐसा लग रहा है मैं कंचना मूवी की चुड़ैल लग रही हूँ। तो चलिए आप देख सकते हैं, टाइमिंग देख ले, 15 मिनट रखना है आपको। उसके बाद आपके जो फेस पैक ड्राई हो जाएंगे, उसके बाद आप अपने फेस को धो लें। प्लेन वाटर से आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन। देख सकते हैं मैंने फेस वॉश कर लिया है। अब मैं अपने फेस को अच्छे से पैड ड्राई कर लूँगी। इसी तरीके से आपको भी करना गाइस। अपने फेस को रगड़ कर ना पूछे। देख सकते हैं मेरे फेस पर कितना निखार आ चुका है, पहले से कितना ब्राइटनिंग लग रहा है मेरा फेस। देख सकते हैं कितना क्लीन एंड ब्राइटनिंग, दाग धब्बे सब कुछ गायब हो चुका है सिर्फ एक पैक ही लगाने से। आप इसे वीक में 2 बार ज़रूर लगाएं गाइस, आपको फ़र्क खुद पता चलेगा। देख सकते हैं कितना अच्छा इसका रिज़ल्ट आया है गाइस। मुझे बहुत पसंद है ये फेस पैक। मैं हमेशा ये ज़रूर अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे। वीक में 2 बार ज़रूर ही कर ही लेती हूँ। आप भी ज़रूर करना गाइस और आप इसे अप्लाई करके इसका रिज़ल्ट मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। सो देखा आपने गाइस कितने आसान तरीके से बिल्कुल ज़ीरो खर्चे में मैंने आपको ये DIY फेस पैक बताया। आप इसे ज़रूर ट्राई करें गाइस। आपको पार्टी फंक्शन में जानी हो और आपकी स्किन डल हो चुकी है तो आप इस फेस पैक को ज़रूर लगाएं। आप देखेंगे 15 मिनट में आपके फेस बिल्कुल ब्राइटनिंग लगेंगे, बहुत ही अच्छा लगेंगे आपके फेस। आप इसे ज़रूर ट्राई करना गाइस। आप ट्राई करेंगे, आपको खुद पता चलेगा इसका रिजल्ट कितना अच्छा है। ये कोरियन सीक्रेट फेस पैक था गाइस जो मैंने आपके साथ आज शेयर किया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। मैं ऐसी अच्छी वीडियो आपके लिए जरूर लाती रहूँगी। अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।